हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम 1 या 2 मार्क्स के अंदर अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने वाले हैं, एक बार इसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो फर्स्ट होगी वो होगी अपने पास एल स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड में एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, थर्ड एल प्लस की निकालेंगे, उसके बाद फोर्थ में निकालेंगे एल माइनस की, उसके बाद फिफ्थ में एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी निकालेंगे, उसके बाद एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी निकालेंगे, उसके बाद एल एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये सब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम आज के इस लेक्चर में निकालने वाले हैं। काफ़ी टाइम यहाँ पे एक या दो नंबर में काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं एल स्क्वेयर की। ठीक है, तो फर्स्ट की निकालेंगे एल स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर मैं निकालता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एल एम बीच में एल स्क्वेयर और एल एम। ठीक है, अब हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि एल स्क्वेयर को जब मैं इस एल एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को दे देगा एल इंटू एल एम और ये देगा एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वेयर, और साथ में ये जो स्टेट है वो सेम स्टेट अपने को वापस मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या जाएगा, एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वेयर। ये क्या है, ये आइगन वैल्यू है एल स्क्वेयर के। अगर एल स्क्वेयर को किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये वाली टर्म अपने को मिलती है आइगन वैल्यू। इससे पहले वाले लेक्चर्स में ही हमने ये निकाल के बताया था मैथमेटिकली किस टाइप से ये आती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म मैंने बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचाएगा एल और एम, ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट एज इट इज एल और एम। ठीक है, दोनों स्टेट क्या है सेम है, तो ये अपने को कितना देगा, वन देगा। तो एल स्क्वेयर की अपने पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वेयर, ये वाली अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी किसकी, एल स्क्वेयर की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एल जेड की बात करूँ तो एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी कैसे लिखेंगे, एल एम दो स्टेट के बीच में लिखा एल जेड और ये एल एम। ठीक है, एल जेड को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा, ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, एम एच कट मिलेगा, एल एम और एम एच कट और ये एल एम स्टेट अपने को एच टीज मिल जाएगी। एम एच कट को बाहर निकाल लेता हूँ, एम एच बार को बाहर निकाला क्या मिलेगा, एल एम और ये वाली स्टेट एल एम, ये कितना दे देगा अपने को, ये वन देगा। तो कितनी आ जाएगी अपने पास, जो एल जेड है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने को मिलेगी एम एच बार, ये अपने पास सेकेंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी किसकी, एल जेड की। अब बात करते हैं एल प्लस की। अब एल प्लस की जो वैल्यू है वो भी हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, एल प्लस की क्या वैल्यू है। तो क्या आएगा, एल प्लस की अगर निकालनी है तो एल एम और एल प्लस को हमने बीच में रखा और साथ में एल और एम। ठीक है, एक बार ये करवाने से पहले थोड़ा सा एल प्लस के बारे में बता देता हूँ। एल प्लस क्या है, अपने पास राइजिंग ऑपरेटर है, राइजिंग ऑपरेटर, और ये सब ऑपरेटर हैं तो इनके ऊपर कैप का साइन आप जरूर लगा लेना है। यहाँ पे भी कैप का साइन, ये भी कैप का साइन और यहाँ पे भी कैप का साइन और यहाँ पे भी कैप का साइन। ठीक है, ये क्या है, राइजिंग ऑपरेटर। राइजिंग ऑपरेटर की खास बात क्या होती है, अगर राइजिंग ऑपरेटर को मैं किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो वो अपने को एक स्टेट बढ़ा के अपने को देता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस एल प्लस को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ये अपने को एक स्टेट इंक्रीज करके अपने को दे देगा, एक स्टेट बढ़ा के अपने को देगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिलेगा एल एम। इस एल प्लस को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने के बाद क्या मिलेगा, एच बार अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, और साथ में जो स्टेट मिलेगी वो क्या मिलेगी, एल एम प्लस वन स्टेट ये अपने को देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एल एम है और यहाँ पे क्या है, एल प्लस एम है। दोनों स्टेट क्या है अपने पास, डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेट है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये एच बार
और एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन, इसको तो मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एल एम, और यहाँ से क्या बचेगा, एल एम प्लस वन। ठीक है, ये दोनों स्टेट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेट है, तो ये अपने को कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, समथिंग मल्टीप्लाई जीरो, तो एल प्लस की जो अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो वो कितना आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो किसकी है, एल माइनस की है, तो एल माइनस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो एल माइनस में क्या जाएगा, एल माइनस की भी ऐसे ही निकालेंगे। एल माइनस क्या है अपने पास, एल माइनस है लोअरिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर क्या होता है, अगर लोअरिंग ऑपरेटर को मैं किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो वो अपने को क्या देगा, एल माइनस क्या है अपने पास, लोअरिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर। और इसकी खास बात क्या है, अगर मैं इसको किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये अपने को एक स्टेट कम करके देगा। राइजिंग में क्या था, हमने जब इसको इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो इसने एक स्टेट अपने को बढ़ा के दी। लोअरिंग ऑपरेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल माइनस की भी जीरो ही आएगी, एल माइनस की अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालू तो जीरो ही आएगी। कैसे, इसी से निकाल लेते हैं। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ एक बार, ये आ जाएगा अपने पास एल एम, बीच में एल माइनस ऑपरेटर है तो कैप लगा दिया एल एम। इसको मैं इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाता हूँ तो क्या आएगा, एल एम ये एज इट इज, ये आएगा एच बार रूट एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम और एम माइनस वन। और साथ में जो स्टेट मिलेगी, स्टेट क्या मिल जाएगी, स्टेट मिलेगी अपने पास एल एम माइनस वन, ये वाली स्टेट अपने को मिल जाएगी। ये कंप्लीट टर्म बाहर लिख लेता हूँ, ये और ये एक साथ लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एच बार रूट एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम एम माइनस वन। ठीक है, और ये स्टेट एल एम और एल एम माइनस वन। ठीक है, ये कितना देगी अपने को, जीरो देगी, और समथिंग मल्टीप्लाई जीरो, तो एल माइनस की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो वो अपने को कितना मिलेगी, ये अपने को जीरो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसकी निकालेंगे, हम एल एक्स की निकालेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी है अपने पास, नेक्स्ट है एल एक्स की। एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए अपने को एल एक्स की वैल्यू पता होना जरूरी है, तो एल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लैडर ऑपरेटर से। और लैडर ऑपरेटर अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक राइजिंग ऑपरेटर होता है, एक लोअरिंग ऑपरेटर होता है। तो लैडर ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, एल प्लस माइनस एल एक्स प्लस माइनस आयोटा एल वाई। अगर मैं यहाँ पे एल प्लस लिखता हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइजिंग ऑपरेटर बोलेंगे। ये आएगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ये राइजिंग ऑपरेटर। और एल माइनस की वैल्यू क्या आएगी, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब ये सब ऑपरेटर है तो इन सब के ऊपर हम कैप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एल प्लस प्लस एल माइनस, एल प्लस को एल माइनस के अंदर ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये वाली और ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा अपने पास, टू एल एक्स आ जाएगा। यहाँ से एल एक्स की वैल्यू निकाली तो टू को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, एल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल प्लस प्लस एल माइनस डिवाइड बाय टू। ये अपने पास किसकी वैल्यू आती है, एल एक्स की। सिमिलर अपने पास एल वाई की, एल वाई की भी एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो एल वाई की वैल्यू भी यहाँ से लिख सकते हैं, एल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल प्लस माइनस एल माइनस डिवाइड बाय टू आयोटा। उसमें ये जो फर्स्ट वाली टर्म है एल एक्स वाली वो कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास एल वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एल एक्स की, तो एल एक्स की निकाल लेते हैं। यहाँ पे एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये एल प्लस प्लस एल माइनस डिवाइड बाई टू और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी हमने निकाली थी, एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहाँ है, ये रही, एल प्लस की कितना आई है अपने पास, जीरो, और एल माइनस की भी कितना आई है, जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो एल एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितना मिल जाएगी अपने को, ये भी जीरो मिल जाएगी। सिमिलर एल वाई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो वो भी कितना मिलेगी,
जीरो मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ तक, ये वाला निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये और ये दोनों रहते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, ये एल वाई का स्क्वेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या है, एल एक्स का स्क्वेयर, एल एक्स की वैल्यू है अपने पास, उससे निकाल देंगे। तो एल एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली है, तो एल एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये रही, दो बार ये वैल्यू लिख सकता हूँ, एल एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ, एल एक्स डॉट एल एक्स लिख सकता हूँ, तो ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा, ये आ जाएगा एल प्लस प्लस एल माइनस डिवाइड बाई टू इंटू एल प्लस प्लस एल माइनस डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये वाली अपने को वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, बाहर निकाल लेता हूँ कितना आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, ये 1/4 हमने बाहर लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो क्या मिलेगा, एल प्लस का स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ, एल प्लस एल माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस एल माइनस एल प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या जाएगा, प्लस एल माइनस का स्क्वेयर। ठीक है, और एल प्लस की वैल्यू कितनी थी अपने पास, एल प्लस कितना निकाला था हमने, एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 थी, एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कितना थी, 0 थी, 0 का स्क्वेयर करूंगा तो 0 ही मिलेगा, ये अपने को कितना देगा, 0 देगा, और एल माइनस वाली ये वाली जो टर्म है वो भी कितना देगी, 0 ही देगी, ये भी 0 देगी। कौन सी टर्म बची, एक तो ये वाली टर्म बची अपने पास और दूसरी ये वाली टर्म बची। अब एल प्लस और एल माइनस का रिजल्ट हम ऑलरेडी पहले वाले से लेक्चर में निकाल चुके हैं, अगर मैं इनको किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो क्या देगा ये अपने को, एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर माइनस एम प्लस एम एल जेड। ठीक है, उसके बाद ये कितना देगा अपने को, ये देगा एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर और माइनस एम एल जेड। ठीक है, ये वैल्यू अपने को मिलेगी, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यही वैल्यू अपने को मिलेगी। अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और बीच में प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर 1/4 चल रहा था अपने पास, 1/4 एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर, और इससे ये कैंसिल कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2। एल स्क्वेयर की वैल्यू कितना है अपने पास, एल स्क्वेयर को अगर मैं किसी एल एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं यही लिख सकता हूँ, एल एम, अगर मैं इस एल स्क्वेयर को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो क्या देगा, एल इंटू एल प्लस वन, एल प्लस वन इंटू एच बार स्क्वेयर, और माइनस उसके बाद क्या है, एल जेड को अगर मैं इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो क्या देगा, एम एच कट, यहाँ एल जेड का स्क्वेयर है तो एम का स्क्वेयर और एच कट का स्क्वेयर, एच कट स्क्वेयर दोनों में से क्या है, कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एच बार स्क्वेयर बाय टू, यह आ जाएगा एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम स्क्वेयर। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी किसकी, अपने पास एल एक्स स्क्वेयर की, काफ़ी टाइम आता है ये वाला एग्जाम में, एल एक्स स्क्वेयर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो वो ये आएगी। ठीक है, सिमिलर एल वाई की निकाल सकते हैं, एल वाई में क्या हो जाएगा, एल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिटो सेम स्टेप क्या होंगे, फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये जो एल वाई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एल वाई स्क्वेयर की, ये आपका होमवर्क अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो और भी अच्छी बात है, आप कॉमेंट करके बता देना, मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।